हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपका फाइन आर्ट का पेपर अच्छा गया होगा और उसमें जो हमने सिलेबस को बिल्कुल रट के घोल के पी जाने पे जो जोर दिया हुआ था वो चीज आपके बहुत काम आई होगी। हर एक क्वेश्चन में आपको डाटा देने में वो चीज काम आई होगी और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, आई होप। चलिए, अब हम लोग सिलेबस की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं, तो अब 27 को जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसका सिलेबस अच्छे तरह से देख लेते हैं। उससे अपन लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि क्या सारी चीजें आने वाली हैं। तो इसमें दो चीज कवर हो जा रहे हैं, एक तो सिलेबस कि किस कितना पढ़ लेंगे तो उसके अंदर से ही आएगा अपने क्वेश्चन में से, और दूसरा चीज यार कि किस क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, किस नंबर क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं, वो कितना मार्क्स का रहेगा एग्जैक्ट, और वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, किस तरह का पूछा जाएगा। सिर्फ एग्जैक्ट अपन लोग को क्वेश्चन पता नहीं है, तो इससे इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि यार इंग्लिश का भी पेपर बहुत इजी होने वाला है, मतलब बहुत इजी। फाइन आर्ट में अपन लोगों को बहुत सारा चीज डाटा याद भी करना था, इसमें तो यार राइटिंग स्किल्स में सिर्फ फॉर्मेट देखना है, इसमें तो अपन लोगों को स्टोरी जाननी है, और ऊपर वाला तो खैर आप अब तक आपके जितना टैलेंट है वो चीज, इसके लिए तो बीच में कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ना है उसका आंसर देना है। तो यार अगर आप चाहो तो आप एक दिन में सिर्फ टेक्स्ट बुक को जितना पढ़ने में टाइम लगेगा आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, इसका प्रैक्टिस करना चाहो तो करो, अगर नहीं करोगे तो भी यार आप एक दिन भी पढ़ के जाओ तो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। जिनका बेस ठीक है तो यार वो तो बिल्कुल पेपर बिल्कुल सुपर ऊपर फाड़ के आने वाले हैं। तो ये चीज जो बीच में अपन लोगों को टाइम मिलेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री को दिया जा सकता है, इवन मैथ्स को भी, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि अपन लोगों का आज 21 तारीख हो गया, तो 21 तारीख ये फर्स्ट दिन अपन लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, इसमें फॉर्मेट सारे का सारे अपन लोग कोशिश करेंगे देख लें, ठीक है। फिर टेक्स्ट बुक्स भी अगर हो सके तो कहीं से समरी फटाफट फटाफट, अब तो यार अब के जमाने में किसी से नहीं हो पाया तो समझ लो कि यार वो किस जमाने में फिर पढ़ पाएगा, मतलब जिस तरह का कंटेंट इंटरनेट पर ढूंढो यार मिल जाएगा। तो 10 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट में समरी कंप्लीट करनी, वीडियो कंप्लीट करनी, वो सारी तरह की वीडियो होंगी, तो यार देखो और कंप्लीट करो फटाफट, या फिर किसी दोस्त की हेल्प लेके, ठीक है। और अगर आप तुम चाहो तो मेरे चैनल पे सबका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, हर एक ईच एंड एवरी चैप्टर का, दोनों किताबों का, तो तुम उसको कान में ईयरफोन लगा के और लाइन बाय लाइन गो थ्रू हो सकते हो फास्ट मोड में, 4 घंटे के अंदर में दोनों किताबें खत्म हो चुकी हैं चैप्टर वाइज तुम देखो तो, ठीक है, अगर 2x में उसको देख लोगे तो। चलो ठीक है, अब आप लोग सिलेबस की बात करते हैं, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी यहाँ पे दिख रहा है। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स का, सेक्शन बी 30 मार्क्स का, और ये 30 मार्क्स का, टोटल अपने 80 मार्क्स से पेपर होने वाले हैं, सबको पता होता है। तो फर्स्ट वाला सेक्शन रीडिंग वाला रहेगा, यानी अपन लोग को रीड करना होगा और उसके बेसिस पर आंसर देना होगा। तो रीड करेंगे तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जैक्ट बता दिए हुआ सी बी सी ने, ठीक है। तो उसमें दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यार, ठीक है, दो क्वेश्चन मतलब इस सेंस में कि ब्रॉड कैटेगरी, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर में कुछ सब क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, तो वो चीज 5 MCQs रहेंगे, ठीक है, रोमन नंबर में, 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके, और 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 1 वर्ड में या फिर एक लाइन में, इतना सिंपल। तो अपन लोग को 800 या फिर 900 वर्ड्स के कोई पैराग्राफ दे दिया होगा और वो चीज अपन लोग को पढ़ के और उसका आंसर देना होगा, तो 5 MCQ तो आराम से निकल जाएगा, और फिर 7 जो ऑब्जेक्टिव या फिर सिंगल लाइन वाला आंसर दे रहा है तो वो भी अपन लोग आराम से कर लेंगे अगर आपको आदत है किसी चीज को पढ़ के खुद से समझने का। उसके अलावा यार इसमें आपको इन 7 क्वेश्चन में या फिर 5 क्वेश्चन में आखिर किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो इंटरप्रिटेशन यानी कि जो आपने पढ़ा उसको आप कैसे इलेबोरेट कर पा रहे हो कि नहीं, वो चीज आप जानते हो कि नहीं, ठीक है, मतलब उस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं, इंटरप्रेट खुद से समझे हो कि नहीं, व्याख्या कर पा रहे हो कि नहीं दिमाग में, ठीक है। कंप्रीहेंशन मतलब वो चीज आप कंप्रीहेंड कर पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। वोकाबुलरी, वर्ड फॉर्मेशन, ये सब का टेस्ट होगा, यानी वर्ड का एग्जैक्ट आपको मीनिंग पता चला कि नहीं। तो 2 क्वेश्चन सैंपल पेपर के अनुसार से आपको ये पूछे जा सकते हैं कि यार इस वर्ड का क्या मीनिंग हुआ तुम बताओ, या फिर व्हाट व्हाट इज द सेकेंड, या फिर व्हाट इज द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड, तो कोई एक वर्ड उसमें सेलेक्ट कर लेगा, कहेगा कि इसका सिनोनिम बताओ, इसका मीनिंग बताओ, ये चीज पूछे जा सकते हैं। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है,
सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया है कि फैक्चुअल मतलब फैक्चुअल टाइप का पैसेज आ सकता है 800-900 वर्ड का जो रहेगा, या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप का, या फिर लिटरेरी टाइप का। तो इसमें ये फैक्चुअल क्या होता है, तो फैक्चुअल में मतलब फैक्ट से रिलेटेड, फैक्ट जिसमें भरा हो, जिसमें कुछ डाटा हो, तो उसमें इंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई निर्देश हो सकता है, आप कोई सलाह मशवरा हो सकता है, डिस्क्रिप्शन किसी चीज के बारे में व्याख्या हो सकता है, ठीक है, रिपोर्ट किसी चीज का भी, किसी भी पेपर की क्लिपिंग से रिपोर्ट काट के उसी को पैसेज बना देगा और वो ही दे देगा। तो ये बताया हुआ है कि अपन लोग पैसेज में किस किस तरह के पैसेज दे सकते हैं, वही ओवरऑल है। ये डिस्क्रिप्टिव इन्वॉल्विंग ओपिनियंस, यानी कुछ ऐसा भी पैसेज हो सकता है, ठीक है, मतलब ये सब नहीं रहेगा, कोई भी एक इन सब में से कोई एक ही रहेगा। तो डिस्क्रिप्टिव इन्वॉल्विंग ओपिनियंस यानी कि किसी में किसी पर्सन के अपने ओपिनियन हो सकते हैं, जैसे आप एडिटोरियल वगैरह देखते हो ना, तो उसमें किसी एक बंदे की अपनी अभिव्यक्ति होती है, किसी एक बंदे ने ही वो चीज लिखा होता है, उसका अपना मन का अंदर का बात होता है, तो वो चीज होता है आर्ग्यूमेंटेटिव। इसमें बताया हुआ मतलब किसी बात को लेकर के अपना कॉज दे रहा है, अपना पक्ष रख रहा है, अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है, तो आर्ग्यूमेंट कर रहा है किसी एक टॉपिक पे। परसुएसिव या फिर इंटरप्रेटिव किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ये परसुएसिव का मतलब क्या हुआ कि टू परसुएड समथिंग, यानी टू मेक समवन टू बिलीव ऑन समथिंग, किसी इंसान को किसी चीज पर विश्वास दिलाने की कोशिश करना, ठीक है, अपने ओपिनियन के थ्रू, तो वो परसुएसिव टाइप का कुछ आ सकता है। लिटरेरी पैसेज में क्या होता है, तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शंस, तो किसी फिक्शन वाले ड्रामा, पोएट्री, एसे या फिर बायोग्राफी, ठीक है, किसी भी इस तरह के पैसेज को उठा के दे सकता है इन 800-900 वर्ड का क्लिपिंग करके, उसको काट करके, तो उसमें से ही ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है। बी वाला 400 फिर सेकंड पैसेज होगा, यानी दो पैसेज होंगे अपन हम लोग के पास, फर्स्ट वाला पैसेज ये हो गया और सेकंड वाला पैसेज 400-500 वर्ड का ही होगा, यानी उससे छोटा हो कंपेरेटिवली, और उसमें मात्र दो क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, डायरेक्ट उसका नोट बनाना होगा, आप पढ़ो और उस पर नोट बनाओ, तो नोट मेकिंग का एक अपना तरीका होता है, ठीक है, तो उस चीज को आपको पढ़ना होगा, एक फॉर्मेट होता है उस चीज को पढ़ना होगा, 4 मार्क्स के अकेले कंटेन करेंगे। और सेकंड एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि समरी, आपको उसका समरी तैयार करना होगा। समरी में अपन लोग क्या करते हैं कि अंदर किसी भी डीप में नहीं जाते हैं, किसी भी डेरिवेशंस को नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल टॉपिक्स को देखते हैं, मेन टॉपिक्स को, जिससे कि अपन लोग को उसका थीम समझ में आ जाए कि टोटल किन किन टॉपिक्स के बारे में बात की है। तो एब्स्ट्रैक्ट समरी के बारे में बात करते हैं, तो वो समरी लिखने में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, तो इसका भी आपको जानना होता है कि समरी अच्छे से अच्छा कैसे लिखे। तो आपका बेस क्लियर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट देखोगे, मन चाहे तो एक बार प्रैक्टिस करोगे, बस बात क्लियर है, एक दिन में सारी चीजें हो जाएंगी, राइट। अब देखते हैं, तो ये 4 4 8 मार्क्स और ये 12 मार्क्स के थे, तो 20 मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स क्लियर, सेक्शन ए खत्म। सेक्शन बी में आते हैं, तो सेक्शन बी में तीन वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट वाले वैरायटी में ये एडवर्टाइजमेंट दे देगा, यानी किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट पोस्टर बनाना होगा, ठीक है, नोटिस दे सकता है, यानी किसी चीज का नोटिस जारी करना होगा, तो इन सारी चीज का फॉर्मेट होता है आपको कंपोजिशन सेक्शन में, ग्रामर की किसी भी बुक में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ये सारा चीज राइटिंग स्किल। तो डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, ठीक है, राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन, तो इनविटेशन या फिर रिप्लाई, ठीक है, ये चीज। तो इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, एसएसए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिनोट करता है, ये 4 मार्क्स से रहेंगे, ठीक है, तो इन सब में से कोई एक आ सकता है फर्स्ट नंबर, तो 4 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। ये बी नंबर में, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट, मतलब कि कोई जो भी चीज आपके आसपास घटित हो रही है, आपके नजरों के सामने हो रहा है, ठीक है, वर्बल मतलब जो कुछ हो रहा है, विजुअल मतलब जो चीज आप देख रहे हो, ठीक है, तो जो कुछ भी मतलब प्रैक्टिकल चीज है उस चीज पर आ सकता है, जैसे कि उसमें क्या आ सकता है कि बिजनेस या फिर ऑफिशियल, आप इंक्वायरी करने के लिए या फिर किसी कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए या फिर किसी से कोई डाटा मांगने के लिए, इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए, मान लो आपको बुक, आप ऑफिस में रह रहे हो, आपको कोई चीज ऑर्डर करना है बाहर से, किसी चीज की नीड हो गई है, तो किसी पब्लिशर से बुक मंगाना है,
सेंडिंग रिप्लाईज, किसी का क्वेश्चन आया तो उसका जवाब देना है। तो इन सबको ऑफिस में आप अपन रहते हैं तो यार इनफॉर्मल किसी को आप व्हाट्सएप मैसेज की तरह नहीं भेजेंगे, एक उसका फॉर्मेट होता है जिसके तहत हम लोग सब कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो उन सारे फॉर्मेट में ही लिखने को आ सकता है, कोई भी एक दे देगा कि किसी एक टॉपिक पे मेक अ इंक्वायरी अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो तुम्हें वो इंक्वायरी करनी होगी, उसमें टॉपिक दे देगा किस चीज पे इंक्वायरी करनी है, तो उसका एक फॉर्मेट लिखना होगा तुम्हें, और उसके लिए तुम्हें 6 मार्क्स मिलेंगे, या फिर लेटर टू द एडिटर दे सकता है। तो ये तो अपन लोग बहुत पहले से जानते हैं, 10th में भी पढ़ा था। तो लेटर टू एडिटर यानी न्यूज़पेपर एडिटर के पास, तो कोई अपना सजेशन दे सकते हो या फिर अपना ओपिनियन सुझाव दे सकते हो पब्लिक इश्यूज पे, यानी तुम्हें लग रहा है कि अच्छा गंदगी ज्यादा हो गई है तो तुम उस चीज के लिए दे सकते हो, ठीक है। मतलब अपना एक सब्जेक्ट दिया रहेगा कि किस चीज पे तुम्हें बात करनी है, वो चीज दे सकता है। या फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब, तो तुम न्यूज़पेपर एडिटर को तुम लिख सकते हो कि यार मुझे जॉब चाहिए, तो उस संबंध में आ सकता है। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, और दो पॉसिबिलिटीज के अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, तो इन सारे टॉपिक्स पे सब टॉपिक्स पे आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन ऑन द होल इन सब में से किसी एक ही पे आएगा जो कि 6 मार्क्स कंटेन करेगा, लॉन्ग आंसर रहेंगे, 120 से 150 वर्ड में लिखना होगा। 120 से 150 वर्ड बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक लाइन में सीबीएसई के लगभग 15 वर्ड्स रखते हैं, तो 10 लाइन मैक्सिमम मैक्सिमम तुम्हें 10 लाइन लिखने होंगे, वरना 12 लाइन, 10 लाइन में भी तुम्हारा काम चल जाएगा, क्लियर है। तो अपने कितने बन गए, 6 मार्क्स और 4 मार्क्स, 10 मार्क्स बन गए। अब ये राइटिंग स्किल 30 मार्क्स का है, अभी 2 क्वेश्चन कर लिए तो 10 मार्क्स बन गए, यानी लास्ट क्वेश्चन ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना छोटा दिख रहा है, ये अकेले कंटेन करेगा 20 मार्क्स। ये देखो 10 × 2, 2 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 10 10 मार्क्स के रहेंगे, ये VLA मतलब वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, 20 नंबर के। तो ये 20 नंबर वाले इतना क्या इंपॉर्टेंट है भाई, क्या इसमें पूछेगा? तो टू कॉम्पोजिशन यानी दो रचना करनी होगी तुम्हें, ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, तो ये दो रचना जो रहेगा मैंने थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे, वो भी वर्बल या फिर विजुअल यानी प्रैक्टिकली रिलेटेड ही रहेगा, जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्टिव या फिर आर्ग्यूमेंटल फॉर्म में लिखना होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव मतलब तो बहुत इलेबोरेट करना होगा, बहुत उसका डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, और आर्ग्यूमेंटेटिव यानी कोई एक अगर जो हेडिंग तुम्हें मिलेगा उसमें तुम अपना आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, किस अपना एक कॉज दे रहे हो किसी चीज को साबित करने के लिए, ठीक है, अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो तुम आर्ग्यूमेंट का मतलब समझ गए, तो वो चीज हो सकता है। आर्टिकल पे तो आर्टिकल का कोई टॉपिक आ गया जैसे इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, तो उसमें तुम अपना एक आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हो, ठीक है। डिबेट, तो डिबेट में सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जब तुम्हें कोई गलत काटता है तो तुम अपने तरफ से अपना कुछ कहते हो, तो उन सबका एक टॉपिक दिया होगा, डिबेट, स्पीच, रिपोर्ट। तो इसमें से देखो यार दो पूछे जाएंगे और 4 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो तुम कोई भी 2 कर लेते हो तो पॉसिबिलिटी तो 100% है कि कोई ना कोई एक आना ही है, 4 में से कोई ये 2 आ जाए, कोई ये 2 आ जाए, कोई ये 2 आ जाए, यानी कि अगर तुम कोई भी इसमें से कोई भी 2 कर लेते हो तो उसमें से एक पॉसिबिलिटी बन जाती है आने की। लेकिन यार तुम अभी ये सब काम क्यों करोगे, कोई भी अंदाजा लगाने वाला फिर कुछ भी, तुम्हारे पास एनफ टाइम है, और ये 12th अपन लोग इसके बाद में न जाने ये सारी चीजें देखने जाने को मिले कि नहीं, अपन लोग उतना ध्यान देवे कि नहीं, तो एक सीखने के प्रोस्पेक्टिव से भी अपन लोगों को ये सारी चीजें सीख लेनी चाहिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारा काम आने वाला है, अपने जूनियर्स को बाद में सिखाने में काम आ सकता है, वरना शर्म का सामना करना पड़ेगा। और ऑन द होल कि यार इतना सारा टाइम है तो अपन लोग रोज मूड फ्रेश करने के साथ साथ भी ये काम कर सकते हैं, आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और फिर थोड़ा बोर हुए तो ये चीज लेके बैठ गए कभी, तो आर्टिकल ये चीज आप समझ गए ना, तो और करके ये क्वेश्चन देगा, एक आर्टिकल दे सकता है और एक डिबेट दे सकता है, कहेगा कि आर्टिकल या फिर डिबेट में से कोई एक लिखो, तो वो चीज एक 10 मार्क्स का हो गया, दोनों में से कोई एक लिखना होगा। फिर एक स्पीच दे सकता है, एक रिपोर्ट दे सकता है, कहेगा दोनों में से किसी एक पे लिखो, तो इन 4ों में से 2 तो देगा ही, तुम समझ गए होगे, ठीक है। तो ये बहुत चीज श्योर एंड सर्टेन भी है क्योंकि कम पॉसिबिलिटीज हैं, और सिंपल सब्जेक्ट भी, आर्टिकल तुम्हें लिखना पता ही होगा,
ये तो यार मैं अभी बता सकता हूँ, एक तुम्हें हेडिंग डालना होगा और यहाँ पे बाय करके अपना नाम डाल देना होगा, बात खत्म है। उसके बाद तुम अपना पैराग्राफ में लिख दो, काम खत्म हो गया आर्टिकल का। तो वैसे ही इन सब का फॉर्मेट होता है। और टेक्स्ट बुक में देखो यार, चार वैरायटी के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, चार प्रोज से, चार चैप्टर से और चार पोएट्री से, और वो भी तुम्हें एक्सट्रैक्ट दिया होगा, यानी वो कहीं ना कहीं से 2-3 लाइन काट के निकाल दिया होगा, तो तुम्हें उससे तो पता चल जाएगा, याद आ जाएगा, अच्छा ये किस चैप्टर का है। तो उसमें से ये पूछ सकता है कि इसके कौन से ऑथर है, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, इस चीज को। तो वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, इन दोनों उसमें से इस वर्ड का क्या मीनिंग निकल रहा है। तो सिंपल सिंपल 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, चार चार, ठीक है, और वो भी एक्सट्रैक्ट, यानी तुम्हें खुद से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो 8 मार्क्स तुम्हारे बन गए। फिर वो दोनों किताबों से ये 5/7 क्या डिनोट कर रहा है, यानी 7 क्वेश्चन रहेंगे और कोई भी तुम्हें 5 जवाब देने हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो 5 × 2 = 10, 10 मार्क्स तुम्हारे बन गए। और ये दोनों किताबों में से मिक्स करके 5 क्वेश्चन तुम्हें आंसर देने होंगे, 5 क्वेश्चन। और इसमें 1/2 डिनोट कर रहा है कि एक क्वेश्चन ही तुम्हें देने हैं, 2 क्वेश्चन तुम्हें और करके दिया होगा, और इसमें भी और करके 2 क्वेश्चन दिया होगा। ये दोनों सेम ही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बस एक फ्लेमिंगो से रहेगा, एक विस्टा से रहेगा बस, और 6-6 मार्क्स के ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है, कंप्रिहेंशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड टेक्स्ट, ये बताया हुआ है कि यार कंप्रिहेंशन तुम्हारी रीडिंग हैबिट कैसी है, और उसके बाद में एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे फ्लेमिंगो और विस्टा से रहेंगे, एक 6-6 मार्क्स से और लॉन्ग रहेंगे। तो इसमें एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट यानी तुम्हारी थिंकिंग स्किल टेक्स्ट के डायरेक्ट स्टोरी से कितनी ज्यादा ऊपर उठ के सोच सकती है, तुम्हारी थिंकिंग स्किल मतलब कितनी डीप है, कितनी डेवलप्ड है, वो चीज उसका तुम्हें प्रदर्शन करना होगा। डायरेक्ट स्टोरी से क्वेश्चन इसमें नहीं रहेगा, तुम्हें इलेबोरेट करने को कह सकता है उस थ्योरी के बेसिस, उस किसी स्टोरी के बेसिस पे तुम्हें कह सकता है कि अच्छा इस तरह का सिचुएशन होता, मतलब तुम्हें कुछ क्रिएटिव करने को कहेगा इसमें, इसलिए तुम्हें 6 मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है, तो अपना इतना ही सिलेबस है, देर लगा है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग तुम्हें बताना था। अब तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ ऑल द बेस्ट, कुछ कहना हो तो कमेंट में कहना, और इसके बाद में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाना चाहिए। तुम खुद से एक बार इसको एनालाइज करोगे तो ये चीजें और भी तुम्हारे माइंड में एक फिगर के रूप में कैच हो जाएंगी, ठीक है। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, क्योंकि इन सारे का सोर्स CBSE का लेटेस्ट करिकुलम है, ठीक है। तो अब तैयारी करते रहो, बाय बाय।